यदि आप अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, सुख लाना चाहते हैं, तो वास्तु का बहुत बड़ा योगदान है। वास्तु जीवन को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाता है। आपके काम में एक एनर्जेटिक शक्ति, या कह सकते हैं जो कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड में है, उसे दिशाओं के अनुसार प्रोवाइड करता है, तो आपका जीवन समृद्ध और खुशियों भरा होना शुरू हो जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई किसी का जीवन परिवर्तित नहीं कर सकता, जीवन या तकदीर नहीं बदल सकता। सही रास्ता दिखा सकता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन आप चाहें कि आपकी तकदीर कोई बदल दे आके, नहीं, वो सिर्फ आपके कर्म बदल सकते हैं। कर्म का मतलब जो आप रोज कार्य करते हैं, आपकी सोच क्या है, दूसरे के प्रति आपकी भावनाएं क्या है, वो आपके जीवन को समृद्ध बनाती हैं। समृद्धि खाली पैसे से नहीं आती, समृद्धि दूसरे को खुशियां देकर भी समृद्धि आपके घर में आती है, दूसरे की मदद करके भी आपके घर में समृद्धि आती है, और किसी को सही रास्ता दिखा के भी आपके घर में समृद्धि आती है, खुशियां आती हैं, सुख आता है। यदि आप दूसरे को सही रास्ता दिखा रहे हैं, तो भी आपके जीवन में खुशियों का आना जाना शुरू हो जाता है। ये कभी भी चेक करेंगे आप प्रैक्टिकल देखो, कोई व्यक्ति आपके पास आया, कुछ उनने मदद मांगी, इत्तफाक से आपके सक्षम थे, आपने उनकी मदद की, आपका कुछ नहीं घिसा, लेकिन आपको बाद में जब उसका काम हो गया, तो जब वो उसमें आपको एक खुशी भरी निगाह से देखेगा, तो आपके अंदर ऐसी फीलिंग होगी कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पास आ रही हैं। मैंने हमेशा एक चीज आपको जरूर बोला है, अपने आप को जागृत करना है। किसी भी चीज में यदि आप पाना चाहते हैं, तो अपने आप को जागृत जरूर करें। जीवन में जो चीज चाहते हैं उसको प्रत्यक्ष देखें, आंख बंद करके देखें, आंख खोल के देखें, उसे अपने साथ घटित होता हुआ देखें। आप एक घर चाहते हैं, फीलिंग करें, महसूस करें कि वो घर आपका है, आप उसमें बहुत क्या क्या उसमें कर रहे हैं, क्या क्या उसमें पिक्चर लगा रहे हैं, क्या उसमें पेंट करवा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, एक इमेजिन करें। जैसे भी आप इमेजिन करना शुरू करेंगे, तो ब्रह्मांड में एक शक्ति, जो शक्ति ब्रह्मांड में है, वो शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति, उसे एक वास्तविक रूप में लाना शुरू कर देती है। ये मैजिक है, काम करता है, 100% काम करता है। आप कभी कभी महसूस करते हैं कि आपके मन में कोई विचार आया, वो नेगेटिव है, कि आप सोच रहे हैं कल जो मैं सामान खरीदा था वो नुकसान दे जाएगा, या कुछ ऐसा हो रहा है, क्या एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा मतलब कोई नेगेटिविटी जो आप नहीं चाहते जीवन में, वो उसका विचार आ रहा है, तो आपको क्या बोलना है? एक सिंपल सा शब्द मन में बोलना है, जैसी प्रभु की इच्छा। जब आपके हाथ से बात निकल जाए, आपको लगे कि मैं चाह के भी इस पे ही अपने मनचाहा रिजल्ट नहीं ले पाया, तो बाद में एक ही शब्द कहना, जैसी प्रभु की इच्छा। इतना सा आपको बोलना है, आपके मन की सारी दुख, परेशानी, टेंशन सारी गायब हो जाएगी। प्रैक्टिकल करो, अरे होगा, मैजिक है, काम करता है, 100% काम करता है। कितनी भी परेशानी हो, जैसी प्रभु की इच्छा। और फिर आप महसूस करोगे कुछ समय बाद, जो आप चाह रहे थे वो आपके साथ होना शुरू हो गया, अच्छा चाह रहे थे अपने साथ, वो आपके साथ होना शुरू हो गया, जैसा आप जीवन में चाहते थे वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो गया। विजुलाइज करना है, प्रत्यक्ष देखना है, और वो होगा। और यदि और भी ज़्यादा इससे एक्टिव करना चाहते हो, और भी ज़्यादा इससे प्रत्यक्ष तेज करना चाहते हो, तो कहीं पर एक घंटा बैठो शांत वातावरण में, बिना शोर के, बिल्कुल शांत, अपने मन की वाइब्रेशन शांत करो। आपका मन, आपकी आंखें, आपके बॉडी का सारी चीज एक जगह केंद्रित कर दो। वो कहाँ पर? सांसों पर। जब वो सांसों पर केंद्रित हो जाएगी, तो क्या होगा? जो सांस आ रही है वो जागृत हो जाएंगी। इसे क्या बोलोगे? प्राण शरीर। प्राणों की अंदर इतनी ताकत है, ये जो आप सांस ले रहे हो, इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये जीवन भर आपको चलाए रखता है। यदि प्राण ना हो जिस शरीर के अंदर,
उसे 4 घंटे अपने पास नहीं रख सकते आप, कभी देख लेना। 4 घंटे बाद भी उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, बदबू आनी शुरू हो जाएगी, प्राणों की, सांसों की ताकत इतनी है। और ये सांसें ही हैं जो आपके जीवन को सब कुछ दिलवा सकती हैं। विजुलाइज करो, जो मैं बता रहा हूँ, जो आप चाहते हो जीवन में विजुलाइज करो, उसे प्रत्यक्ष देखो आंखें बंद करके। सांसें भी वही लो आप, उसे देखते हुए सांसें लेनी है आपको। जो जीवन में चाहते हो, एक सुंदर जीवन साथी चाहते हो, अपना विवाह होते हुए देखो, प्रत्यक्ष देखो, सांसें आंखें बंद करो, सांसें जो आप ले रहे हो उसे प्रत्यक्ष देखो आप आंखें बंद करके, सांसों के साथ। बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। आप जो अपने आप को जागृत करना चाह रहे थे वो ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगा। अच्छे के लिए करना है, किसी के लिए नेगेटिविटी के लिए नहीं सोचना। आपको अपना जीवन अच्छा करना है, किसी लिए गड्ढा नहीं खोदना, नहीं तो गड्ढे खोदते रह जाओगे, पहाड़ पे कभी नहीं चढ़ पाओगे। यदि आपको पहाड़ पे चढ़ना है, ऊंचाई पे जाना है, तो दूसरे के लिए गड्ढा खोदना बंद कर दो। यदि ऊंचाई पे आपको जाना है तो दूसरे के लिए गड्ढा खोदना बंद कर दो। सिर्फ अपना फोकस रखो जीवन में, जो चाहते हो वो आपकी लाइफ में आएगा। और वो कब होगा? जब आपका घर बैलेंस होगा।